हेलो एवरीवन, दिस इज दक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम पंचायती राज के बारे में डिस्कस करेंगे। पंचायती राज क्या है बेसिकली? तो गवर्नमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन, जो सत्ता है उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना है पंचायती राज। ठीक है, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे गांव हैं उनको मिला के उनमें शासन के लिए वो लोग अपना काम जो है वो अपने अकॉर्डिंग करवा सके, इसी के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है पावर्स का। ठीक है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया जाना जरूरी है? तो देखिए, अगर किसी भी गवर्नमेंट के पास सेंटर में पावर होगी, जो भी होती है, अगर सेंटर में पावर होती है तो किसी भी एक विलेज में या एक शहर में रहने वाले जो कोई इंडिविजुअल है उसकी क्या नीड्स है वो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगी? इस सिटी में, इस विलेज में क्या नीड है लोगों की वो कैसे पता चलेगी गवर्नमेंट को? तो यहीं से कोई जाके गवर्नमेंट को बताए तब तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि क्या नीड है इसकी। तो इसीलिए इसी बातों को समझने के लिए जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, जिसको हम जो गांव में गए जिसके लिए हम पंचायती राज पढ़ते हैं, ठीक है, और नगर पंचायत पढ़ेंगे हम शहरों के लिए, तो इसको पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेट पीसीएस के लिए काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे जितनी भी कमिटीज बनी है उन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पंचायती राज से पूरे से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये स्टेट का ही पार्ट है, इस वजह से हर स्टेट में पंचायत है, ग्राम पंचायत है, तो इन्हीं वजह से इसके क्वेश्चंस स्टेट जो पीसीएस एग्जाम है उसमें काफी ज्यादा आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पंचायती राज संस्थान इंस्टीट्यूशंस जो है वो भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। स्वशासन मतलब कि खुद का खुद प्रशासन। तो हम लोगों में से ही कोच लोग चुनकर जाएंगे और जो हमारी जो नीड है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो खुद के स्वशासन के लिए एक प्रणाली है पंचायती राज संस्था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना है जो कि स्थानीय लोगों द्वारा चले जाते हैं। तो स्थानीय निकाय होते हैं जो स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं और ये स्थानीय निकाय जो है वो स्थानीय मामलों का प्रबंधन करते हैं, मतलब कि जो हमारी नीड्स है उसको ये उनको हमारे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक रूप से 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके लिए संवैधानिक रूप कब दिया गया? तो 1992 में दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन आया? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू पंचायती राज को जोड़ा गया था। इसमें संविधान में पार्ट 9 भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, पार्ट 9 जोड़ा गया था और इसके लिए पार्ट 9 जोड़ा गया और आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन में पार्ट 9 भाग 9 जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज जोड़ा गया, जिसको पंचायती राज नाम दिया गया और ये कब हुआ? 1992 में हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको याद रखना है और भाग 9 पार्ट 9। ठीक है, ये हमारे पंचायत, जैसे कि पहले पंचायत होती थी, ये अभी नया नहीं है पंचायत। तो पंचायत तो पहले भी होती थी हमारे गांव में, एक पेड़ के नीचे पंच बैठे हुआ करते थे, वो यहाँ पर डिसीजन लेते थे। ठीक है, तो सेम इसी तरह की हमारी अभी भी पंचायती व्यवस्था है, जिसमें क्या है, कुछ लोग होंगे जो हम में से ही चुनकर आएंगे, ग्राम सभा होगी जो यहीं के गांव के लोगों को मिलकर बनेगी, ग्राम सभा मतलब पूरे गांव के जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं उनकी बैठक होगी, उनमें से कुछ चुनकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो पहले होती थी सेम उसी तरह से अभी पंचायत है। ठीक है, अब पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, किस तरह से इसका विकास हुआ? तो देखिए, हम जब स्वतंत्र हो गए उसके बाद की बात करते हैं। हमने संविधान के अनुच्छेद 40 में, जो कि किसमें है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में, आर्टिकल 40 कहाँ आता है, डीपीएसपी में आता है। इसमें क्या लिखा गया है, आर्टिकल 40 में पंचायतों का उल्लेख है क्या, कि जो भी स्टेट है वो जब इनको जब बनाने के लायक हो जाए तो वो पंचायती राज बनाए। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया अनुच्छेद 40 में, कि हर स्टेट को पंचायतों का विकास करना है, पंचायतों को बनाना है अपने स्टेट में। लेकिन ये जो डीपीएसपी हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो क्या बताते हैं कि आपको जब मन करे, मतलब जब गवर्नमेंट ये करने के लायक हो जाएगी, वो ऐसे अधिकार जनता जो है उसको देगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक संवैधानिक रूप नहीं था इनको, मतलब कि कंपलसरी नहीं था, जो गवर्नमेंट चाहती वो बना देती। ठीक है, कोई गवर्नमेंट बना रही है पंचायती राज तो वो पंचायती व्यवस्था बना दी है, लेकिन उसकी इलेक्शंस जो है वो प्रॉपर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जब
सरकार के ऊपर होता है कि हमें करना है तो करना है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर संविधान में उसके लिए एक अलग से पार्ट दे दिया जाएगा तो फिर वो कंपलसरी हो जाता है हर स्टेट के लिए। ठीक है, तो पहले तो किस में दे रखा था, आर्टिकल 40 में दे रखा था डीपीएसपी में। फिर यहाँ पे आर्टिकल 246 में क्या दे रखा है, राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। उसको कौन बनाएगा कानून, राज्य का विधानमंडल बनाएगा, मतलब की विधानसभा विधान परिषद बनाएगा। जो भी स्थानीय स्वशासन है उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ स्वतंत्रता के बाद आगे बड़ी बात, तो 2 अक्टूबर 1952 को मतलब कि गांधी जयंती के दिन, ठीक है, गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP लागू हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ था, 1952 में। इनकी डेट पूछी जाती है, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है, गांधी जयंती पर हुआ। अब जो CDP था वो फेल हो गया। CDP का फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये फेल हो गया। इसके फेल होने के कारण क्या थे, देखिए उस टाइम पर हम जस्ट स्वतंत्र हुए थे, नौकरशाही बहुत थी, ठीक है, अत्यधिक राजनीति बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा राजनीति थी, ठीक है, और लोगों की भागीदारी में कमी थी उस टाइम पे। प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारियों की कमी भी थी क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे, योग्य कर्मचारी नहीं थे। हमारे देश जब स्वतंत्र ही हुआ था तो इसी वजह से CDP को लागू करने में स्थानीय निकाय जो है उनकी रुचि नहीं थी, उसका अभाव था। विशेषकर जो ग्राम पंचायत है उनको लागू करने में स्थानीय निकायों का अभाव था, उनकी रुचि का अभाव था, तो इसी वजह से CDP फेल हो गया। ठीक है, इसके फेल होने के ये रीजन थे। अब इसके फेल होने के रीजंस को पता करने के लिए 1957 में जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब की जो CDP है के कामकाज को देखने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी की अध्यक्षता में एक समिति गठन की। ठीक है, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम क्या था, बलवंत राय मेहता कमेटी। इनके अध्यक्ष थे तो अध्यक्ष के नाम पर ही कमेटी का नाम रखा गया, क्या, बलवंत राय मेहता कमेटी। ये पहली कमेटी थी, उससे पहले CDP आया था, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो फेल हो गया। उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी आई इसके फेल होने के रीजन को देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए 1957 में। ठीक है, इस कमेटी ने क्या देखा, इस कमेटी को कब नियुक्त किया गया था, तो 1957 में नियुक्त किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो CDP है और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के बेहतर काम की उपायों की जांच और सुझाव देने के लिए इसको नियुक्त किया गया था, मतलब इस कमेटी को बनाया गया था। जो कमेटी थी उसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब कि जो हमारी सेंटर मतलब गवर्नमेंट है उसका विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, ठीक है, स्थानीय सरकार की स्थापना का सुझाव दिया जिसे पंचायती रूप जो पंचायती राज है उसके रूप में जाना गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन बोला पावर्स का। ठीक है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात बोली किसने, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि इस तरह का किया जाए। अब इनकी सिफारिशें क्या थी ये पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से किस कमेटी ने क्या सिफारिश दी थी ऐसा पूछा जाता है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो, तीन स्तर हो, सबसे नीचे वाला स्तर होगा ग्राम पंचायत, ठीक है, उसके बाद होगा पंचायत समिति और उसके बाद होगा जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीन होंगे, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, ग्राम पंचायत जो होगी वो ग्राम लेवल पे होगी, गाँव के लेवल पे होगी। पंचायत समिति जो होगी वो कई सारे गाँव को मिला के होगी, करीब 10 से 15 हजार की पॉपुलेशन जो होगी उसमें एक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति बनेगी, ठीक है, और जिला परिषद जो होगी वो जिला लेवल पे होगी। ठीक है, क्लियर है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनका लेवल सबसे नीचे होता है। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होती है बेसिकली, और जिला परिषद जो होती है वो जिले लेवल पे होती है। ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, इलेक्शंस का पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत के लिए जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब कि हम जाके वोट देते हैं ग्राम पंचायत के लिए। चुने गए प्रतिनिधि, अभी ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए और इससे जो लोग चुने गए हैं वो पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, मतलब कि ग्राम पंचायत के लिए हमने प्रत्यक्ष रूप से वोट डाल दिए। ठीक है, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं और उसके लिए हम वोट डालते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के लिए डालते हैं प्रेसिडेंट, हम प्राइम मिनिस्टर के लिए डालते हैं, सीएम के लिए डालते हैं, प्रेसिडेंट के लिए नहीं डालते। तो सेम उसी तरह से होता है, क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत के लिए। अब इसमें जो लोग चुने जाते हैं, जो पर्सन इसमें चुने जाएंगे, वो लोग क्या करेंगे, फिर पंचायत समिति के सदस्य अपने में से ही किसी को पंचायत समिति के बनाएंगे, और फिर ये जो पंचायत समिति और ये है इनको मतलब कि ये होते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है, और ये होते हैं प्रत्यक्ष, तो इनमें से ही ये बनते हैं, बाकी
आपका जो ग्राम पंचायत है उसके इलेक्शंस डायरेक्ट होते हैं, ठीक है? ओके, अब पहला उद्देश्य, ये जो कमेटी थी उसका क्या उद्देश्य था? प्राथमिक उद्देश्य योजना और विकास, ठीक है? किसका उद्देश्य हुआ? इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो त्रिस्तरीय आप ये व्यवस्था बना रहे हो ना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनके पहले उद्देश्य क्या होना चाहिए? योजना बनाना है और विकास करना है, ठीक है? विकास करना है और योजना बनाना है, इनका प्राथमिक उद्देश्य हो। पंचायत समिति जो हो, जो सेकेंड लेवल पे है, ये कार्यकारी निकाय है, तो बेसिकली काम कौन करेगा? पंचायत समिति करेगी, ठीक है? जिला परिषद क्या करेगी? तो फिर ये सलाहकारी है, मतलब कि ये जो पंचायत समिति है उसको सलाह देगी, और पर्यवेक्षी निकाय है, मतलब कि इस पे नजर रखेगी, ठीक है? इन पे नजर रखेगी और उनको सलाह देगी, तो सलाहकार और पर्यवेक्षी निकाय के रूप में काम करेगी जिला परिषद। पंचायत समिति का काम क्या है? ये एक कार्यकारी निकाय, मतलब कि वर्क करेंगे। जिला कलेक्टर जो होगा वो जिला परिषद का अध्यक्ष होगा, ठीक है? जिला कलेक्टर जिला परिषद का अध्यक्ष होगा, ठीक है? इस समिति ने संसाधनों के प्रावधान के लिए अनुरोध किया ताकि अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके, ठीक है? तो इस कमेटी ने क्या बोला कि संसाधन, जो संसाधन है इनके काम करने के लिए, जो चीजें नेसेसिटी है, जिस चीज की नेसेसरी है, उसका प्रावधान किया जाए उसके लिए बोला, ताकि जो अपने काम है और जिम्मेदारियां हैं उनको ठीक से कर सके। अगर इनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, पैसे ही नहीं होंगे, तो वर्क कैसे करेंगे? तो रिसोर्सेज की मांग की इस कमेटी ने। तो सबसे पहले इनका उद्देश्य बताया, योजना करना है, विकास करना है, पंचायत समिति कार्यकारी निकाय होगा, जिला परिषद जो होगी वो सलाहकार और पर्यवेक्षी निकाय होगा, ठीक है? जिला कलेक्टर जो होंगे वो जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? ओके, तो ये आपका पहले क्या हो गया, बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताया वो। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं इस योजना के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। इस ये वाली जो आपकी पंचायत के लिए ये बताया गया, क्या बताया गया? 3 स्तरीय पंचायत होगी, कहाँ कहाँ पे? ग्राम लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है? 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। ये किसने बताया? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। इन्होंने बताया इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है? सबसे पहले हमने देखा था 1952 को CDP, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर उसके बाद 1957 में इसको देखने के लिए, इसके कामकाज को देखने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, ठीक है? अब ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशंस दी तो उसके थ्रू उस पर फिर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज शुरू किया गया। किसने किया? हमारे उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कब किया? 1959 में, 2 साल बाद, ठीक है? 57 59, ये डेट आपको याद रखनी, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है? पंचायती राज शुरू किया गया था, सबसे पहले कहाँ किया गया था? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पे? नागौर जिले में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में इस योजना को 1 नवंबर 1959 में पेश किया गया था, ठीक है? 1 नवंबर 1959। फिर उसके बाद इससे संबंधित जो कानून है वो असम में, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पंजाब आदि सभी में पारित किए गए और कार्यान्वित किए गए, और अभी सभी जगह पे है, ठीक है, पंचायती राज के लिए। अब ये हो गई हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी, सबसे पहले आई थी। उसके बाद आई अशोक मेहता कमेटी 1957, ठीक है? ये आपकी कौन सी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। इससे आप 10 साल 20 साल कर लो, 67 और फिर 77, ठीक है? तो आपने 10 10 20 साल बढ़ा दी। 20 साल बढ़ाने के बाद आप किस पर आके? अशोक मेहता कमेटी, ठीक है? ये 1977 में अशोक मेहता कमेटी जो थी उसकी नियुक्ति की गई, ठीक है? याद रहेगा आपको, 1977 में अशोक मेहता कमेटी की नियुक्ति की गई। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? तो देखिए, यहाँ पे पूछा जाता है कि दो स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किसने बताया था? तो अशोक मेहता कमेटी ने बताया था। त्रिस्तरीय किसने बताया था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताया था। तो जो त्रिस्तरीय प्रणाली थी उसको इन्होंने बोला कि 2 स्तरीय बनाया जाए, ठीक है? 2 स्तरीय से बदला जाए। इसमें जिला लेवल पे, जिला स्तर पर क्या होगी? जिला परिषद होगी, और गांव का एक समूह होगा, जैसे कि वहां पर ब्लॉक बन रहे थे ना, सेम उसी तरह से गांव का समूह होगा, जिसको मंडल बोलेंगे, तो ये मंडल पंचायत होगी। तो जिला परिषद होगी और मंडल पंचायत होगी, ठीक है? तो इन्होंने 3 स्तर को, मतलब कि जो ग्राम पंचायत थी उसको खत्म करके मंडल पंचायत, जिला परिषद होनी चाहिए, ऐसा बोला इन्होंने। 2 स्तरीय होनी चाहिए। राज्य स्तर के बाद पर्यवेक्षण के पहले स्तर पर जिला स्तर हो, राज्य लेवल के बाद सीधे कहाँ पे आए? जिला स्तर पर पर्यवेक्षण का निकाय होना चाहिए, ठीक है? जिला परिषद जो है वो कार्यकारी निकाय होना चाहिए, जिला परिषद काम करेगी, ठीक है? वहां पे जो ब्लॉक लेवल पे थी वो काम कर रही थी, यहाँ पे जिला लेवल पे है वो काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वहां पे पंचायत समिति काम कर रही थी या जिला परिषद काम कर रही है, कार्यकारी निकाय है, और जिला स्तर पर योजना के लिए जिम्मेदार होगा, जिला स्तर पर ये योजना बनाएंगे, ठीक है?
उसके बाद जो भी संस्थान है, जिला परिषद और मंडल पंचायत, ये दोनों जिला परिषद और मंडल पंचायत जो संस्थान है, इनको अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए अनिवार्य कराधान शक्तियां होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक मेहता कमेटी ने सबसे पहले टैक्सेशन की बात की थी, कर की बात की थी कि आप टैक्स लगाएंगे इन लोगों को, ये जो जंगली जगह पे काम कर रहे हैं उन पर टैक्स लगाया जाए। अब टैक्स लगाएंगे तभी तो ये अपने लिए पैसे जुटा पाएंगे, और पैसे जुटा पाएंगे तभी ये वित्तीय संसाधन जो है वो जुटा पाएंगे, मतलब कि अपने पैसे जुटा पाएंगे और काम कर पाएंगे। तो इसके लिए इनको टैक्सेशन पावर होना चाहिए, ठीक है, कराधान शक्तियां होनी चाहिए। ये किसने बोला था? अशोक मेहता कमेटी ने। दो स्तर पर ग्राम पंचायत का स्तर छोड़ दिया था, और मंडल पंचायत और जिला परिषद, ये दो स्तर पर आपकी, ये इन्होंने बोला था त्रिस्तरीय प्रणाली की जगह दो स्तरीय प्रणाली, ठीक है। ओके, तो यहाँ से तीन क्वेश्चन हमें मिल गए, और इसके बाद हमें ये भी मिल गया कि जिला परिषद जो है वो कार्यकारी निकाय हो, वहां पे पर्यवेक्षी निकाय था, ठीक है, और राज्य स्तर पर पर्यवेक्षण हो, ठीक है, यहाँ पे वहां पे जिला स्तर पर पर्यवेक्षण हो रहा था, पर्यवेक्षी निकाय था, और जिला परिषद जो है कार्यकारी निकाय है यहाँ पे, और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, क्लियर है। अब ये दो हो गए, उसके बाद आता है जीवी के राव कमेटी, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था 1952, ठीक है, फिर 1957, फिर इसकी बात बना था 1959 में, इसको मतलब सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर को, ठीक है, नागौर जिले में पंचायती राज के लिए हमने स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद 1977, ठीक है, अब आते हैं 1985 पर, और फिर आएंगे 86 पर, ठीक है। 1985 में क्या हुआ, जीवी के राव कमेटी थी, उसमें योजना आयोग द्वारा नियुक्त किया गया है, इस कमेटी को योजना आयोग द्वारा नियुक्त किया गया था, कब, जीवी के राव कमेटी, अब योजना आयोग की जगह क्या है, नीति आयोग, ठीक है। तो जीवी की ड्राफ्ट कमेटी जो थी 1985 में, इसको नियुक्त किया गया था, किसने किया था, योजना आयोग, ठीक है। नौकरशाही के कारण विकास को जमीनी स्तर पर नहीं देखा गया था, मतलब नौकरशाही बहुत थी उस टाइम पे, इसी वजह से जमीनी स्तर पर विकास नहीं हो रहा था, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप पंचायती राज संस्थान है वो बिना जड़ों की घास के रूप में संबोधित किया था, इसी ने जीवी के राव कमेटी में। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे, जीवी के राव थे, ठीक है। इससे पहले हमने अशोक मेहता कमेटी देखी, उसके अध्यक्ष कौन थे, अशोक मेहता थे, यहाँ पे कमेटी के नाम पर ही है, ठीक है। उससे पहले हमने बलवंत राय मेहता कमेटी देखी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता थे, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो आपसे इस तरह से ही पूछा जा सकता है, वैसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जीवी के राव कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष थे जीवी के राव, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो आपने पंचायती राज संस्थान तो बना दिए, लेकिन ये एक तरह के बिना जड़ की घास है, मतलब ऐसे पेड़ जिनकी जड़ नहीं है, तो जमीनी स्तर पर जो विकास है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऊपर ऊपर देखने में तो लग रहा है लेकिन जमीनी स्तर पर विकास नहीं हो रहा है, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। अब इनकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, इन्होंने बोला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में जिला परिषद सबसे महत्वपूर्ण निकाय है, जो जिला परिषद है वो सबसे महत्वपूर्ण है, विकेंद्रीकरण अगर आप कर रहे हो तो उसमें जिला परिषद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और क्या बोला, जिला स्तर पर विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए जिला परिषद प्रमुख निकाय होना चाहिए, जिला स्तर पर विकासात्मक कार्यक्रम होना चाहिए और उनके प्रबंधन के लिए जिला परिषद जो है वो प्रमुख निकाय होना चाहिए, इन्होंने ऐसा बोला। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की विशिष्ट योजना कार्यान्वयन और निगरानी के साथ जिला और पंचायती राज प्रणाली के निचले स्तर पर सौंपा जाना चाहिए, ठीक है। जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है उनकी जो विशिष्ट योजना वगैरह बनानी है, कार्यान्वयन करना है, निगरानी करनी है, उसके साथ साथ जिला और पंचायती राज प्रणाली के जो निचले स्तर है उनको सौंपा जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो निचले स्तर बोल दिया आपने, दो स्तर है, ठीक है, तो उनको ये सौंपा जाना चाहिए। जिला विकास आयुक्त का पद, एक जिला विकास आयुक्त का पद बनना चाहिए, ये एक नई बात बताई थी, ये तो बाकी सिंपल ही है, ठीक है, एक नई बात बताई थी इन्होंने। जिला विकास आयुक्त का पद सृजित होना चाहिए और वो क्या होगा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसकी बात किसने कही थी, तो हमारे ये जो थे जीवी के राव कमेटी, इन्होंने बोला था, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला विकास आयुक्त, ठीक है। ओके, पंचायती राज व्यवस्था के स्तर पर चुनाव नियमित रूप से होना चाहिए। देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि पंचायती राज जो थी वो किसमें थे, डीपीएसपी में, डीपीएसपी में कौन से वाले आर्टिकल में, आर्टिकल 40 में, तो इनके जो इलेक्शन थे वो किस तरह से नहीं हो रहे थे, यहाँ तक अभी जो इलेक्शन है वो नियमित रूप से नहीं हो रहा, मतलब कि हर 5 साल में इलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो नियमित रूप से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या बोला था, चुनाव जो है वो नियमित रूप से होना चाहिए। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का एक पद सृजित होना चाहिए जिला विकास आयुक्त का, ठीक है, क्लियर है। तो ये किसने बोला था,
ये इन्होंने बोला था जीवीके राव कमेटी, उसके बाद आती है एमएल सिंघवी कमेटी। ठीक है, अब यहाँ पे वापस देख लेते हैं 1952 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1957 कौन सा आया आपका, बलवंत राय मेहता कमेटी। फिर उसके बाद 1959 में क्या हुआ, 1959 में ये जो नागौर में, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर को क्या बनाया गया, हमारा पहला पंचायती राज संस्थान बनाया गया। फिर उसके बाद 1977 आया, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी। फिर उसके बाद आपकी आई 86 है वो 85 है दो, ठीक है 86-85 आपको याद रखना है। यहाँ पे 86 एल एन सिंघवी कमेटी, एल एन सिंघवी कमेटी ने क्या बोला, तो सारी कमेटीज आपको याद रहेंगी, ठीक है। एल एन सिंघवी कमेटी ने क्या बोला था, जीवीके राव कमेटी कब थी 1985, एल एन सिंघवी कमेटी कब है 1986। इसमें क्या बोला गया, भारत सरकार द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के लिए जो कदम उठाए गए उसकी सिफारिश करने के मुख्य उद्देश्य के साथ नियुक्त किया गया था। मतलब बेसिकली क्या है कि जो पंचायती राज प्रणालियां हैं वो अच्छे से वर्क नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वापस किसको गठित किया गया, एल एन सिंघवी कमेटी को गठित किया गया। कब किया गया, 1986 में, ठीक है। तो सभी में ही डेवलपमेंट के लिए बोला है, क्यों बोला है, क्यों डेवलपमेंट हो, अभी ठीक से नहीं चल रहा दूसरी कमेटी बना दी, अभी ठीक से नहीं चल रहा फिर कमेटी बना दी, तो इस तरह से कमेटी बनाई गई थी। तो ये तो आप खुद ही लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल एम सिंघवी कमेटी ने बोला था कि इनको संवैधानिक रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, किसने बोला था, एल एम सिंघवी कमेटी ने, ठीक है, इससे पहले ऐसा नहीं बोला गया था। इसने पंचायती राज प्रणालियों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को मान्यता देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की भी सिफारिश की थी। तो बेसिकली उन्होंने संवैधानिक रूप दिए जाने के लिए बात कही, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके इसके लिए भी इन्होंने संवैधानिक प्रावधान हो ऐसा बोला, ठीक है। तो बेसिकली इनका मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, संवैधानिक रूप में मान्यता दी जानी चाहिए ऐसा बोला, ठीक है। समिति ने ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहार बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन करने की सिफारिश की थी, गांव का पुनर्गठन किया जाना चाहिए था ऐसा बोला था इस कमेटी ने। ग्राम पंचायतों में इसकी गतिविधियों के लिए अधिक वित्त होना चाहिए, ग्राम पंचायतों के पास पैसा ज्यादा होना चाहिए तब वो काम कर सकते हैं, पैसे से ही अगर वो हेल्पलेस रहेंगे, मतलब उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो काम कैसे कर पाएंगे। तो इसकी जो गतिविधि है वो बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांगली चल सके उसके लिए ग्राम पंचायतों के पास पैसा होना चाहिए, मतलब टैक्सेशन, ऑलरेडी टैक्सेशन की बात हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित मामले और उनके कामकाज से संबंधित अन्य मामले जो है वो स्थगित करने के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए, मतलब कि इनके जो मामले आ रहे हैं ना इससे संबंधित मामले और इनके जो कामकाज है उससे संबंधित जो मामले हैं उनको निपटाने के लिए हर राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये किसने बोला था, एल एम सिंघवी कमेटी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सारी कमिटीज पढ़ ली आपने, कब कब पढ़ी, क्या क्या पढ़ी और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो उसको 2 सेकंड में रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमारी आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, उससे पहले क्या आया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, ठीक है, ये तो फेल हो गया। उसके बाद 1957 में ये कब आया था, 1952 में, ठीक है, ये फेल हो गया। उसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आई जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए क्या बोला, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था को, जिसमें ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति और जिला परिषद हो, ये गांव लेवल पर होगी, ये किस पर होगी, ब्लॉक लेवल पे होगी, मतलब कुछ गांव का ग्रुप होगा, और जिला परिषद जिला लेवल पे होगी, ठीक है, ओके। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे ग्राम पंचायत के और पंचायत समिति और जिला परिषद है उसका गठन जो होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। इनके उद्देश्य क्या थे, योजना और विकास, सबसे इम्पोर्टेंट क्या बोला था इन्होंने, ये सब चीजें तो आप समझ ही लेंगे सारी जो है वो बलवंत राय मेहता ही जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका नागौर में हुआ, ये क्लियर है। फिर आई थी अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी ने 2 स्तरीय बात की, ठीक है, उन्होंने 3 स्तर की बात की थी, उन्होंने 2 स्तर की बात की। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, जो जिला है वो कार्यकारी निकाय होना चाहिए, ठीक है, ओके। फिर आई जीवीके राव कमेटी 1985 में, वो किसमें आई थी, 1977 में आई थी, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जिला विकास आयुक्त का पद सृजित किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है इनके में, ठीक है, और इनको चुनाव नियमित रूप से हो ऐसा बोला था। अच्छा, टैक्सेशन की बात सबसे पहले किसने की थी, तो आपकी अशोक मेहता कमेटी ने टैक्सेशन की बात सबसे पहले की थी, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे जीवीके राव ने क्या बात की थी, सबसे पहले जिला विकास आयुक्त का पद सृजित किया जाए और चुनाव नियमित रूप से कराया जाए। एल एम सिंघवी ने क्या बोला था, इन्होंने निष्पक्ष चुनाव के लिए संवैधानिक रूप में मान्यता दी जाए ऐसा बोला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1986 में, ठीक है, ओके।
और जो ग्राम पंचायत है उनके पास वित्त होना चाहिए, उनके पास पैसा होना चाहिए जिससे कि अपने काम कर सके। ओके, अब इन सभी चीजों को, ये जो कमेटी थी इनकी रिकमेंडेशन से, जब धीरे 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 प्रोसेस सुधरने लग गई तो रिकमेंडेशन से क्या हुआ कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, कब आया, 1992 में। ठीक है, 1992 में, ये 1992 में आया था, 1993 में पारित हो गया था, तो उसके लिए कहीं भी कभी आपको 1992 मिलता है, कहीं कहीं 1993 मिलता है। 74 जो था वो भी इसी के साथ में आया था, 1992 में आया था, 3 पास हुआ था, तो कई बार ऐसा होता है 73 जो है 92 में मिलता है और 74 93 में मिलता है, तो कई बार बुक्स इस तरह से कर देती है, किसी बुक में कुछ किसी बुक में कुछ, आप 1992 याद रखो, अभी बुक में अगर आता है 1993 तो आपको वो भी सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं संविधान संशोधन अधिनियम आया 1992 में, जिसमें संविधान के भाग, यहाँ पे भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखिए इससे पहले हमारी 8 अनुसूची थी, ठीक है, और इससे पहले हमारे कितने भाग थे, 8 भाग थे। ठीक है, फिर 9वीं 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं 12वीं, अभी 12 अनुसूची है हमारे में। ठीक है, इसमें नगर पंचायत है और 11वीं अनुसूची में आपकी ग्राम पंचायत है। ठीक है, और भाग 9 जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 में एक टॉपिक दिया गया, क्या, पंचायत दिया गया। ठीक है, और उसमें नगर पालिका, यहाँ पे आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों से रिलेटेड 25 कार्य है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों से रिलेटेड 25 नहीं सॉरी 29, ठीक है, 29 है, ठीक है, 29 कार्य शामिल है, 29। क्लियर है, तो संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 9, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाली क्वेश्चन है, भाग 9, जिसमें पंचायत, इसका टॉपिक दिया गया पंचायत, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों के 29 कार्य शामिल है। ये भाग 9 जो है वो कहां से कहां तक है, आर्टिकल 243 से लेके 243O यहां तक शामिल है, जिसमें पंचायतों के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 243 से लेके 243O का। ठीक है, याद रखिएगा O का। संविधान संशोधन जो अधिनियम है, संविधान के अनुच्छेद 40, ये 40 क्या है, DPSP, जिसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व है, उनको आकार प्रदान करता है ये संविधान संशोधन। यहाँ पे संविधान पे संशोधन करके इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे कि अब ये करना कंपलसरी हो गया, अब जो जो चीजें इसमें लिखी गई है वो सब करना कंपलसरी हो गया हर स्टेट के लिए। पहले क्या था, किसी स्टेट का मन कर रहा है तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे, चुनाव भी टाइम पे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती थी, अब जो चीजें हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में होंगी। क्लियर है, जो राज्य को ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने और उन्हें अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है, ताकि वे स्व सरकार के रूप में कार्य कर सके। ठीक है, अब अधिनियम की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, ग्राम सभा, सबसे पहले ग्राम सभा होगी, जो कि क्या है, एक प्राथमिक निकाय है, जिसमें पंचायत के क्षेत्र, अभी तो हमने सारी कमेटीज की रिकमेंडेशंस देखी, अब रिकमेंडेशन के बाद ये अधिनियम आया, जिसमें क्या क्या बनाया गया, बेसिकली सभी की रिकमेंडेशन के बाद हमने क्या क्या चीजें सबसे ली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा एक प्राथमिक निकाय होगा जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होंगे, मतलब कि जो लोग 18 वर्ष से ज्यादा की एज के हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ठीक है, जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो सभी क्या होंगे, ग्राम सभा के सदस्य होंगे, मतलब जो वोट दे सकते हैं, पंजीकृत मतदाता है। ओके, यह राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित काम को पूरा करेगा, जो भी राज्य विधानमंडल काम देते हैं उन सभी को पूरा करेगी ये ग्राम सभा। ठीक है, फिर यहाँ पे त्रिस्तरीय प्रणाली बनाई गई, यह अधिनियम राज्यों, गांव, मध्यवर्ती और जिला, तीन स्तर का, जो बलवंत राय मेहता ने बताया था, गांव के लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, मध्यवर्ती और फिर जिला स्तर पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना करता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो 20 लाख से कम है, अब क्या ये मध्यवर्ती स्तर का गठन कर सकते हैं, इनमें गांव भी हो, ब्लॉक भी हो और जिला लेवल भी हो, तो नहीं, इनमें सिर्फ गांव और जिला लेवल, मतलब कि मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई, गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर। ठीक है, लेकिन जिनकी भी जनसंख्या 20 लाख से कम है वो मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सदस्य और चेयरपर्सन के चुनाव की, इनके सदस्य और इनके चेयरपर्सन के चुनाव किस तरह से होंगे, तो पंचायती राज के जो भी सारे स्तर हैं उनके सदस्य जो है वो सीधे चुने जाएंगे। ठीक है, पंचायती राज के सभी स्तरों के सदस्य जो है वो सीधे चुने जाएंगे। ठीक है, तीनों स्तर के सदस्य सीधे चुने जाएंगे, और मध्यवर्ती और जिला जो स्तर है उनके चेयरपर्सन जो भी सदस्य चुने जा रहे हैं निर्वाचित सदस्यों के अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, मतलब कि जो सदस्य हैं वो तो सीधे सीधे चुने जा रहे हैं, लेकिन चेयरपर्सन जो होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, वो इन सदस्यों को चुना है ना, उन्हें निर्वाचित सदस्य जो है उनके से
उनके थ्रू चुने जाएंगे, मतलब कि वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। तो सदस्य तो सीधे चुने जा रहे हैं और चेयरमैन कैसे चुने जा रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर अध्यक्ष राज्य द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, ग्रामीण स्तर पर एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा जो कि राज्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अब इनमें जो भी हमने चुनाव किए, चुनाव में रिजर्वेशन होगा, ठीक है, आरक्षण होगा, तो सीटों का आरक्षण किस तरह से है, तो एससी एसटी के लिए है और महिलाओं के लिए है। ठीक है, एससी एसटी के लिए, महिलाओं के लिए है। एससी एसटी के लिए आरक्षण कितना है, तो सभी तीन स्तरों पर उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार, जितनी जनसंख्या का प्रतिशत होगा उस हिसाब से उनका आरक्षण दिया जाएगा। और तीनों स्तर पर आरक्षण है, ठीक है, तीनों स्तर पर आरक्षण है उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार। ठीक है, महिलाओं के लिए कैसा आरक्षण है, कुल आरक्षित सीट्स, मतलब कि एससी एसटी के लिए अगर महिला है तो उसमें जितनी भी एससी एसटी की आरक्षित सीट है ना, उन पर उनका कम से कम एक तिहाई, ठीक है, मतलब कम से कम 1/3 होना चाहिए। पूरा कितना है, मतलब कि एससी एसटी के लिए कितना है, तीनों स्तर पर है उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है, जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से। फिर इनमें महिलाएं अगर एससी एसटी की हैं तो क्या उनको जनरल में से मिलेगा, नहीं, तो जो भी आरक्षित सीट्स है ना उन सीट्स में से कम 1/3, ठीक है, महिलाओं के लिए होगा। आगे पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के लिए कुल संख्या के 1/3 से कम महिलाओं के लिए आरक्षण, ठीक है, तो कम से कम 1/3 इनके लिए होगा, ठीक है, हर स्तर पर, ठीक है, ओके। राज्य विधानसभाओं को पिछले, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके पक्ष में किसी भी स्तर पर पंचायत या चेयरपर्सन के कार्यकाल व सीटों का आरक्षण पर निर्णय लेने का भी प्रावधान दिया गया है। अब जो राज्य विधानसभाएं हैं वो ओबीसी के लिए भी इससे रिलेटेड अगर उनको लगता है तो वो आरक्षण दे सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिया नहीं गया है अभी, ठीक है। पंचायत या जो चेयरपर्सन है उनके कार्यकाल में सीटों का आरक्षण पर निर्णय लेने का भी अधिकार है, लेकिन ऐसा किया नहीं गया है, ठीक है। ओबीसी के लिए तो नहीं है, किस किस के लिए है, एससी के लिए, एसटी के लिए और महिलाओं के लिए है, ठीक है, आरक्षण, ओके। अब बात करते हैं पंचायत का ड्यूरेशन कितना होगा, अवधि कितनी होगी, तो 5 साल का कार्यकाल होता है। पंचायत का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का होगा। पंचायत अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले भी भंग हो सकती है, ऑब्वियसली पंचायत कार्यकाल पूरा कंप्लीट होने से पहले भंग हो जाएगी, लेकिन नई जो पंचायत आएगी उसके गठन के लिए इसकी 5 साल की अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव पूरे किए जाने चाहिए, बताते हैं ये क्या है। और विघटन के मामले में इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले इलेक्शन होंगे। अब बात ये आती है कि 5 साल का कार्यकाल बोल दिया, 5 साल के कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही जो पंचायत है वो भंग हो गई, ठीक है, मतलब कि वो खत्म हो गई, तो अब क्या होगा, अब दूसरी पंचायत गठित की जाएगी। तो जो नई पंचायत का गठन हो रहा है उसके लिए उसकी जो टाइम ड्यूरेशन वो कितने साल तक रहेगी, क्या जो नई पंचायत गठित की है वो हमने फिर से 5 साल के लिए रहेगी, मान लीजिए नए, मतलब हम अभी बात करते हैं 2020, ठीक है, 2000 की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है 2000 की बात कर लेते हैं, 2000 में हमने पंचायत का गठन किया, ये 2002 में क्या हो गई, विघटित हो गई, ठीक है, इनको कितने साल तक चलना चाहिए था, 2005 तक चलना चाहिए, 2002 में हो गई। अब जो दूसरी नई पंचायत का गठन किया गया है क्या वो 2007 तक चलेगी या 2005 में ही खत्म हो जाएगी, तो बिल्कुल इनका जो ड्यूरेशन था ना बचा हुआ ड्यूरेशन ही कंप्लीट करेगी ये नई वाली, 2007 तक 5 साल कंप्लीट नहीं करेगी, तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल की अवधि समाप्त होने से पहले जो है वो चुनाव किए जाएंगे, ठीक है। और विघटन के मामले में विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पहले इलेक्शन किए जाएंगे, मतलब ये भंग हो रही है, विघटित हो रही है, तो 6 महीने पूरे होने से पहले ही इसके इलेक्शन कराए जाने चाहिए, ठीक है, मतलब 6 महीने से ज्यादा जो पंचायत है उसके पद खाली नहीं रहने चाहिए, ठीक है। भंग होती है जो भी नई पंचायत का गठन हो रहा है इसके लिए 5 साल की अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव पूरे किए जाएंगे, मतलब ये जो 5 साल का ड्यूरेशन हो रहा है उससे पहले चुनाव किए जा रहे हैं और ये बचे हुए टाइम के लिए रह रही है, ठीक है। और विघटन के मामले में अगर विघटन होता है तो विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पहले इलेक्शन किए जाने हैं, ठीक है, 6 महीने खत्म होने से पहले पहले, अगर 6 महीने से ज्यादा इसका कार्यकाल जो है, मतलब 6 महीने से ज्यादा इसका पद खाली नहीं रहेगा, ठीक है। योग्यता क्या है इनके लिए, 21 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, 21 वर्ष की मिनिमम आयु होनी चाहिए, और पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, ठीक है, 21 वर्ष की आयु, चुनाव लड़ने के लिए वोट देने के लिए 18, और जो ग्राम सभा है उसमें सदस्य कौन होंगे, ग्राम के जो सभी 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सदस्य जो लोग होंगे वो इसके सदस्य होंगे, तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 साल मिनिमम एज है, ठीक है। पंचायत के जो तीनों स्तर है उनके लिए 21, ठीक है,
क्लियर हो गया, यहाँ पे दोनों बातें समझ आ गई। अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग क्या है। यहाँ पे हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देख लिया, उस एक्ट में क्या क्या चीजें दी गई थी वो देख लिया, किसको नियुक्त किया जाएगा, किस हिस्से पर कैसा नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, इनका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, चुनाव प्रोसेस क्या होगी, वो सब देख लिया। अब इनके चुनाव के लिए जो राज्य है वो चुनाव कराता है, हमारे देश की जो भी इलेक्शंस होते हैं वो कौन कराता है, हमारा निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है, जो हमारा जो निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग है वो कराता है, ठीक है, एक ही बात है चुनाव या निर्वाचन आयोग को। लेकिन राज्यों में जो पंचायती राज है, पंचायतों के लिए और जो हमारा नगर पंचायत है, उन नगर निगम वगैरह है, उन सभी के लिए इलेक्शन कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ये राज्य का होता है, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। और बाकी सीएम के भी कौन कराता है, तो वो भी हमारे देश का ही जो निर्वाचन आयोग है वही कराता है, ठीक है। सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग किसका कराता है, पंचायतों का कराता है और जो हमारे शहरी निकाय है उनका कराता है, ठीक है। राज्य आयोग निर्वाचक नामावली की तैयारी के निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है, जो नामावली है मतलब की जो एक लिस्ट होती है जिसमें जिस नाम लिखे होते हैं कि किस किस को इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं उनके सबके नाम, उसकी तैयारी के निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए पंचायत के चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। राज्य विधायक पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामले के संबंध में प्रावधान कर सकती है, राज्य की जो विधायिका है वो इससे रिलेटेड पंचायतों के जो चुनाव है उनसे संबंधित जितने भी सारे मामले है ना उसके संबंध में प्रावधान कर सकती है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य का ही है, ठीक है, तो राज्य की जो विधायिका है वो इनसे रिलेटेड जो भी चुनाव से संबंधित जो भी मामले हैं उन सभी में मतलब की क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ये सभी कौन तय करता है, राज्य विधायिका करती है, ठीक है, ओके। उसके बाद इनकी शक्तियां क्या होती है, काम क्या होती है, तो राज्य विधायिका पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार से संपन्न कर सकती है, मतलब पंचायत को ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकती है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने के लिए आवश्यक है, जो भी शक्तियां उनको स्वशासन के लिए जरूरी है ना वो शक्तियां राज्य विधायिका को देगी, ठीक है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी कौन करते हैं, ये आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाते हैं उनकी तैयारी करते हैं पंचायत, ठीक है। 11वीं अनुसूची में कौन से 29 मामले जो है ना उनसे संबंधित जो भी जो 29 मामले है ना उस पर काम करने का काम किसका होता है, पंचायतों का होता है। तो 11वीं अनुसूची में जो सूचीबद्ध 29 मामले हैं उनके उनमें सभी में उनके संबंध में जो भी चीजें शामिल है वो इन पे काम करेंगे, ठीक है, पंचायत, क्लियर है, इनकी शक्तियां और काम होते हैं। अब यहाँ पे हमने वित्त आयोग पढ़ना है, वित्त आयोग क्या है, ये राज्य का वित्त आयोग है, हमारे देश की बात नहीं कर रहे हैं। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, मतलब पंचायत के पास पैसा है या नहीं है ये देखता है। राज्य वित्त आयोग क्या देखता है कि पंचायतों के पास पैसा है या नहीं है ये देखता है, ठीक है, और पंचायत को संसाधनों के लिए आवश्यक वित्त की सिफारिश करता है, और पंचायत को जो आवश्यक संसाधन है उन संसाधनों के लिए जितना भी पैसा चाहिए ना उसकी सिफारिश करता है गवर्नमेंट से, राज्य वित्त आयोग, ठीक है, ये देखता है कि इनको पैसे की कितनी जरूरत है, इनकी वित्तीय स्थिति को देखता है और संसाधनों के लिए जो पैसा चाहिए उसकी सिफारिश करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ये जो अधिनियम है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। ये कौन कौन से क्षेत्र है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ क्षेत्र जैसे कि राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पे अनुसूचित जनजाति रहती है वो वाले क्षेत्र, ठीक है, वहां पे ये लागू नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मणिपुर का जो पहाड़ी इलाका है जिसके लिए एक जिला परिषद मौजूद है वहां पे लागू नहीं होता, और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला है वहां पे लागू नहीं होता, इसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है, ये हम पीशैक में पढ़ेंगे ये सारी चीजें, इसके बाद वाला लेक्चर जो होगा वो हमारा पीशैक से रिलेटेड होगा। तो इन जगह पे ये चीज लागू नहीं होती, इन सभी के लिए पेशा अधिनियम आया था, ये पेशा अधिनियम यही पंचायती राज जैसा ही है लेकिन कुछ इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए और इसको जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है ना वहां पे लगाया गया। हमारे देश में कुछ अनुसूचित जनजाति रहती है, ठीक है, तो उन जगह पर हम जैसे रूल बना रहे हैं सेम वैसे रूल उन जगह के लिए भी नहीं बना सकते क्योंकि वहां के लोगों का अलग कल्चर है, ठीक है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी एजुकेशन अलग है, तो वहां के लोगों के लिए जो भी हम अधिनियम बना रहे हैं, जो भी एक्ट बना रहे हैं, उन सभी के सभी अधिनियम में हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करके वहां पे लागू कराया जाता है, ठीक है। तो ये अधिनियम इन जगह पर नहीं है, इनके लिए पीछे एक्ट पढ़ेंगे हम।
तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पंचायती राज पढ़ा, उसकी कमिटीज पढ़ी, उसकी कमिटी की रिकमेंडेशंस देखी, रिकमेंडेशन के बाद किस कमेटी ने क्या बताया वो इम्पोर्टेंट है याद रखना है, कौन सी कमेटी कब बनी थी वो याद रखना है, और इसके बाद हमें क्या याद रखना है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है, और यहाँ पे वित्त आयोग भी देखना है हमें और निर्वाचन आयोग भी देखना है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमने इस लेक्चर में पढ़ी। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले इनमें से ये जो दोनों कथन है उनको आपको देखना है, विघटन पर निर्वाचित पंचायत का कार्यकाल पूर्ण नहीं होता, ठीक है, मतलब कि पंचायत का विघटन हो जाता है और जो पंचायत गठित हो रही है उसका कार्यकाल पूर्ण नहीं होता, लेकिन विघटन के बाद शेष अवधि के लिए पद पर बना रहता है, मतलब जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए उतने के लिए पद पर बना रहता है, मतलब पूरा नहीं चलता, मतलब 5 साल का कार्यकाल नहीं करेंगे दूसरी जो चुन के आए हैं, जितना शेष अवधि है उसके लिए पद पर बने रहते हैं। तो क्या ये सही है? हाँ सही तो है, अभी तो पढ़ा था, ठीक है। पंचायतों में सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित है, बिल्कुल है, इनके लिए जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से और महिलाओं के लिए इनकी जो जनसंख्या का प्रतिशत है उसका 1/3 है, ठीक है, मिनिमम महिलाओं के लिए होना चाहिए, लेकिन जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए नहीं है। तो बिल्कुल सही है, पिछड़े वर्ग के लिए नहीं है, राजस्व के लिए बना तो सकता है लेकिन है नहीं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से इन कथन को देखना है हमें। 11वीं अनुसूची भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? 11वीं अनुसूची से रिलेटेड है और नवा पार्ट है, ठीक है, भाग 9 1992 द्वारा जोड़ी गई थी, बिल्कुल जोड़ी गई थी, ठीक है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची भारत के संविधान के अनुच्छेद 243W से मिल खाती? नहीं, बिल्कुल नहीं, 11वीं अनुसूची में 243 से लेके 243O तक है, ठीक है, तो ये W नहीं आता इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है बी वाला, मतलब सॉरी ए वाला, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन क्या प्रदान करता है? 73वां संविधान संशोधन क्या बोलता है? गांव, जिला और पर पंचायती राज संस्थानों के 2 स्तर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे भी 2 स्तर बोल रखे हैं, यहाँ पे 2 स्तर बोल रखे हैं, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थान के 3 स्तर, तो चौथा वाला सही हो जाएगा, 3 स्तर है, 3 स्टेज है, ठीक है, 3 लेवल पे पंचायती राज व्यवस्था है, ओके। उसके बाद निम्न में से कौन से कथन है उन पर विचार करना है? बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में नियुक्त की गई थी, बिल्कुल की गई थी, पहली कमेटी थी, इससे पहले CDP किया गया था 1952 में, ठीक है। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, इससे 20 साल बाद बिल्कुल की गई थी। LM सिंघवी कमेटी 1986 में की गई थी, बिल्कुल। GV के राव कमेटी कब की गई थी? 1985 में की गई थी, तो ये आंसर गलत हो गया, मतलब की कौन से सही है इनमें से, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ये आपको समझ आ गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर है पंचायती राज वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन में हम पेशा एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, पेशा हमें नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ना है। यहाँ पे ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ है, ये आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।